जबलपुर में हुए कांड पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। सभी दलों में होड़ सी मच गई है। सभी पीड़ित के परिवार के साथ अपनी अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। इसी क्रम जहां गुरुवार को प्रियंका गांधी ने पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी थी, शुक्रवार लगभग 1:30 बजे अचानक आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी मोरनिया गाँव पहुंचे और पीड़ित परिवार से बात करने के साथ ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली से फोन पर बात करवाई, जिस पर उन्होंने भी परिवार के असहनीय कष्ट के समय पर सदैव साथ रहने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट क्या मांगे हैं परिवार के लिए, क्या मांगे हैं? जो घटना हुई है वो बहुत दर्दनाक घटना है। लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना और अपने हक की लड़ाई लड़ना और आजादी मिलती है, लेकिन सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग लोकतंत्र या जो अपना हक मांग रहे हैं उनके पक्ष में नहीं। और ऐसा कांड हुआ है फिलहाल ना भैया, कहीं नहीं हुआ होगा जहाँ किसानों को कुचल दिया गया, किसानों की जान ले ली गई, और वो भी तब जब कुछ दिनों पहले वहाँ के गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आता है कि मुझे मंत्री मत समझो, मुझे सांसद और विधायक मत समझो, मुझे कुछ और समझो। और उसके बाद जिन पे आरोप है, उनका बेटा है आरोप, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता थे, किसानों को कुचल दिया, जिन परिवारों से मिलने आए उनका दुख बांटने हम लोग आए, और अभी तक तो जनता को विश्वास नहीं था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जिस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है लगातार सरकार में, जनता को भरोसा नहीं है। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया और सरकार पे टिप्पणी की है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी भरोसा नहीं है जांच में। नैतिकता के आधार पर गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा किसानों को गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। जो सरकार कहती है दमदार सरकार, क्या दमदार सरकार इसीलिए कि गरीबों पे अन्याय हो? दमदार सरकार इसी को कहेंगे जो किसानों को कुचल दें? ये सरकार की जिम्मेदारी है न्याय देना। और जब भारतीय जनता पार्टी चाल चले तो चेहरे की बात करती है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए कि उसकी सरकार में इस तरह का अन्याय हुआ है, उनके परिवारों की मदद हो, न्याय मिले, यही परिवार चाहते हैं, यही समाजवादी लोग चाहते हैं। अरे सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सपा के लोग या अखिलेश यादव जी वो जो है धृतराष्ट्र हो गए हैं, जबकि आपने ये कहा था कि शायद मोती अरविंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब इसका देना चाहिए कि एक व्यापारी जिसको पीट पीट करके मार दिया गया, 6 फरार है अभी तक, क्या गृह जनपद में मुख्यमंत्री के यहाँ घटना हो और अभी भी जिन पे आरोप है वो पकड़े ना जाएं? पूरे देश में बताइए कहाँ IPS फरार है जिसमें 302 का मुकदमा लगा हो।